For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Yeah, best movie, song, relation. And कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी में कैसा बात करें? कहानी एंड तक पता नहीं चलता है कि स्टोरीज क्या है, बट बाद में पता चलता है, जैसे इंटरवल के बाद स्टोरीज के बारे में जैसे पता चलता है कि मोस्टली मतलब मूवी में है क्या, बट इट्स अ रिवेंज. एंड एक्टर्स की बात करिए तो एक्टर्स ऑसम एक्टिंग एंड वेरी. एंड फिल्म में दिशा पाटनी कैसी लगी? यस सुपर. कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म को? हां आउट ऑफ 4. नॉट दैट गुड बट सेकंड हाफ इज काइंड ऑफ कैचिंग. ओके कहानी की अगर बात करिए तो कहानी ने कितना बांध के रखा? कहानी सी द ट्रेलर बहुत अच्छा था. इट वाज नॉट एज गुड एज वी एक्सपेक्टेड. म्यूजिक वाज गुड. या अनिल कपूर वाज माइंड ब्लोइंग. सो वी कांट कमेंट ऑन हिज एक्टिंग. दिशा पटानी वाज नॉट दैट आई मीन अकॉर्डिंग टू मी बट ही वाज अमेजिंग. यस पार्डन मी आई थिंक आई वुड गिव 3.5. या थैंक यू. It was a nice movie. Heroine, hero Aditya Rai Kapoor ne. And Anil Kapoor ka kaam kaisa laga? Anil is best. And music kaisa laga? Music bhi acha hi tha. Theek tha. And kitne star dena chahenge? 3.5. Achhi hai, bahut hi sahi movie hai. Bahut hi thrilling movie actually. And कहानी इज ड्रिपिंग टिल द एंड. बहुत ही गेस करना पड़ा कि हूज द किलर. और मतलब बहुत ही ग्रिपिंग है. कभी भी ऐसा वक्त नहीं आता है कि आपको लगेगा कि यार बहुत स्लो चल रही है, बट इट्स गुड पेस पे है और बहुत ही ग्रिपिंग है टिल द एंड. एक्टर्स का काम बहुत सही है. अनिल कपूर का काम बहुत सही है एंड आदित्य रॉय कपूर दिशा पाटनी सबका काम सही है, बट अनिल कपूर का काम मेरे को बहुत अच्छा लगा. फोर आउट ऑफ 5. थैंक यू सर. कहानी ने कितना बांध के रखा आपको? ठीक है. वन टाइम वॉच है. यंग जनरेशन के ऊपर है पिक्चर. एक्टर्स का काम कैसा लगा? अच्छा है सभी का. एंड कहानी कैसे लगी? कहानी भी ठीक है. डायरेक्शन ठीक है. एंड गोवा भी दिखाया गया है? हाँ गोवा के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाया है उसमें, लेकिन ड्रग कॉकिन बहुत ज़्यादा है, ओवरडोज है उसका. वो थोड़ा कम होता अच्छा रहता था. कितने स्टार देना चाहेंगे? 3 out of 5. बहुत बकवास महाघटिया. भोजपुरी का बाप बनाया है इन्होंने. मुझे लगता है पिक्चर बनने वाले अगर देख लेते तो रिलीज़ नहीं करते. लव रंजन को फिल्म देखना थी रिलीज़ करने के पहले. एंड कहानी ने कितना बांध के रखा? कहानी है ही नहीं, क्या बांध के रखेंगे. बहुत घटिया पिक्चर है. इस साल की सबसे वर्स्ट पिक्चर है. अनिल कपूर का काम कैसा लगा? अच्छा झक्कास उन्होंने अच्छा किया. लड़की भी अच्छी थी, पर जब कहानी नहीं होगी तो बाकी कोई भी कुछ भी कर ले कुछ हो नहीं सकता. क्या कहानी में आपको लगा कि ये नहीं हुआ? कुछ था ही नहीं. बहुत भोजपुरी टाइप एक रिवेंज ड्रामा है. एक लड़की है उसको ड्रग एडिक्ट है, पुलिस वाला है, और मैसेज ओवरऑल बहुत ही मतलब यूथ के देखने लायक है भी नहीं का. हम उम्मीद कर रहे थे कि मोहित सूरी है तो रोमांस होगा, प्यार होगा, एक अच्छे मैसेज आएगी. ड्रग्स दारू और अजीब से कुछ. और उसके अलावा क्या कमी लगी आपको? कुछ है ही नहीं कमी. क्या पूरी पिक्चर ही कमी है. अच्छा. एंड म्यूजिक कैसा लगा? म्यूजिक अच्छा है, पर गाने में से फिल्म आई नहीं है, सिर्फ मोन्टाजेस टाइप जा रहे. कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? -5. कैसी लगी गाने फिल्म? कैसी लगी आपको? आ जाओ साथ में. फिल्म की सबसे पहली बात कि यार मोहित सूरी का फ़ैन हो तो उसके हिसाब से मैं देखने के लिए आया था. मोहित सूरी की जितनी भी मूवी है सेम पैटर्न पे है, लेकिन दिस टाइम इट्स टोटली डिफरेंट, क्योंकि क्लाइमेक्स आपको सोचने पे मजबूर कर देगी और आप जो सोच भी नहीं सकते वो क्लाइमेक्स दिखाया गया है. 100% जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी. सोचा था कि यार जो फिक्स है वही तो होने वाला है, लेकिन एंड का जो 5 मिनट होता है वो ये भी बता देती है कि अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मोहित सूरी के फिल्म को. और इस फिल्म में बहुत ही अलग लेवल दिखाया गया. वैसे देखा जाए उनका प्यार का जो डिफिनेशन होता है, जो लव का एक डिफिनेशन होता है विथ पेनफुल स्टोरी, वो यहाँ पे थोड़ा एक अलग दिखाया है. जैसे कहते हैं ना कि हर साल चेंज होता है एंड जनरेशन चेंज होती है, तो आवारापन से लेकर के अब तक में हमेशा चेंजेस आते गए हैं लव स्टोरीज़ में, तो यहाँ पे भी वो चेंजेस दिखेंगे. एंड इट्स ऑल अबाउट दैट मैडनेस. एक्ट्रेस दिशा पटानी फर्स्ट पार्ट में यू विल फाइंड दैट शी इज सिजलिंग एंड हॉट, और उसके बाद से जैसे सेकेंड पार्ट शुरू होता है आप बोलोगे यार ये रियल लाइफ कपल तो नहीं ना है, क्योंकि इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है, इतना अच्छा प्यार दिखाया जाता है. आप उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे. आदित्य रॉय कपूर का काम कैसा? हाँ आशिकी के बाद में फाइनली
कम बैक हुआ है उनका, क्योंकि वो जो ऑरा था उनका, मीन्स एक टाइप का कहते हैं ना, जो लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बेवड़ा और ड्रिंक लेने वाले लोग, उससे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। लेकिन हाँ, आप देख करके बोलोगे कि हाँ, आशिकी 2 का वो वाला चीज़ यहाँ पे दिखा है और फाइनली उन्होंने एक अच्छी मूवी के साथ कमबैक किया, क्योंकि उससे पहले जितनी भी मूवीज़ आई है वो कुछ कमाल दिखा नहीं पाए, उनकी मूवी उतनी ज़्यादा चल नहीं पाई है। और मैं तो वेट कर रहा था यार, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि विक्रम भट्ट के बैनर के नीचे काम करने के बाद सिर्फ एक मूवी हिट होती है उसके बाद से सारे फ्लॉप होते हैं। तो दिस टाइम हिज कम बैक इन दिस। विलोनिक अवतार यार काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है, थोड़ा अलग करने का कोशिश किया, खास करके द लाफिंग स्टाइल। आप देख करके बोल तो दोगे कि काफ़ी ज़्यादा बनावटी है, लेकिन हाँ, आप इंजॉय कर लोगे उनके। कुणाल खेमू, इट्स अ बैड चॉइस मैन, के आपने मतलब कुणाल खेमू के लिए कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी जो इमेज बनाई थी ना, वो यहाँ पे आके बिगड़ जाएगी। तो उनके हिसाब से कहा जाए तो यार, एक्टिंग तो हाई लेवल का था, बहुत हाई लेवल का, एंड टोटली डिफरेंट जॉनर उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने हमेशा कॉमेडी किया है, वो कॉमेडी के बाद यहाँ पे जो देखा जा रहा है ना, कलंक में भी देखा था कुछ एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस रोल में, और यहाँ पे भी वैसे ही सीरियस रोल में है। तो ओवरऑल बहुत बड़ी एक स्पाइनल कॉर्ड है वो इस मूवी के, सो यू हैव टू एंजॉय। म्यूज़िक तो यार मेन बस था इस मूवी का, क्योंकि जैसे आया था टाइटल ट्रैक और चल घर चले, ये जो दोनों गाने हैं आप स्टार्ट से ही सोच रहे होते कब इन्जॉय करूँगा, पर जहाँ पे उस गाने को डाला गया है इट्स टोटली इन्जॉयबल, और आप देख करके कहोगे कि नेल्ड इट, क्योंकि जहाँ पे देना चाहिए था। और हाँ, आपके दिल को बार बार तरसाएगा कब वो गाना आएगा, कब वो पेनफुल गाना आएगा चल घर चले, और बार बार म्यूज़िक आके ख़त्म हो जाता है, लेकिन जहाँ पे डालते हैं अमेजिंग मैन। इट्स 4.5 सिर्फ मूवी के लिए, वैसे मोहित सूरी के लिए 5 out of 5। कैसी लगी फिल्म आपको? सुपर मूवी है मलान। एंड कहानी की अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? कहानी भी ओवरऑल बहुत अच्छी है, ऑडियंस पकड़ के रखती है, मस्त मूवी है सच में, सीरियसली बहुत अच्छी। एंड एक्टर्स की अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? एक्टर्स भी बहुत अच्छे लिए, कास्टिंग बहुत अच्छी की है, अनिल कपूर बाप है मूवी में मतलब रोल वाइज बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने, और उसके बाद आदित्य राय कपूर बहुत मस्त, कुणाल खेमू तो हाइप, उनका भी रोल बहुत अच्छा है। स्टोरी हम रिवील नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, पब्लिक जाके देखेगी, इंजॉय करेगी, मज़ा आएगा। म्यूज़िक भी सुपर है, सुपर मूवी है, फिल्म को 4.9। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, और मोहित सूरी की मूवीज़ अभी तक जितनी भी मैंने देखी हैं उनमें कुछ ना कुछ नयापन होता है, ये मूवी में भी बहुत नयापन है, बहुत सस्पेंस है, और जो चारों किरदार हैं उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। मलंग का मतलब ही है लाइक अ वैगाबॉन्ड, आवारा टाइप, यू नो, सो वही दिखाया कि इसमें ड्रग्स दिखाए गए हैं, हाउ पीपल गेट इनटू क्राइम, सो वो सब बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, और मोहित सूरी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और चारों प्रोटैगनिस्ट आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी, अनिल कपूर, कुणाल खेमू, ऑल ऑफ देम आर फैबुलस। बट आई थिंक कुणाल खेमू इज़ नोटवर्दी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उनको देखने मिला, और उनका जो साइकोटिक कैरेक्टर है बहुत ग्रे शेड्स हैं वो बहुत अच्छा है। कहानी यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट, क्योंकि जैसे जैसे मिस्ट्री अनरेवल होती जाएगी आप देखते रह जाएंगे कि इतना मतलब बहुत ही मूवी में सस्पेंस है बहुत। अनिल कपूर इज़ वंडरफुल, आई थिंक ही इज़ अ वर्सेटाइल, कोई भी उनको रोल दे दीजिए वो इतना बेहतरीन निभाते हैं, तो ये मूवी में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, आई थिंक मोहित सूरी की मूवीज़ का यही है कि म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है। दो गाने जो मेरे जहन में बस गए, एक तो मलंग जो टाइटल सॉन्ग है, और दूसरा एक चल घर चले, विच इज प्ले ट्वाइस और थ्राइस। सो म्यूज़िक अच्छा है, रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, थ्रिलिंग, बहुत अच्छी है। 4.5।